22 साल का अंकित साल भर से नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। आखिरकार उसे शिमला में एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल ही गई। नौकरी करने के लिए वो पटियाला में अपना परिवार छोड़कर शिमला आ गया। शिमला पहुंचकर कंपनी की तरफ से दिए गए फ्लैट में जब अंकित पहली बार अंदर घुसता है तो फ्लैट को देखते ही बोला, वाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। साल भर से भटकने के बाद एक अच्छी नौकरी मिलने की चमक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन कंपनी की ओर से मिलने वाली फैसिलिटीज देखकर वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतारकर नीचे फर्श पर रख दिया और लंबी सांस लेकर सामने पड़े सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अंकित बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गया। अंकित की आदत है बाथरूम में आते ही गाना गुनगुनाने लगना, लेकिन आज वो इतना खुश था कि गाना गुनगुनाने के साथ ही झूमने भी लगा। बाथरूम के अंदर पहुंचते ही सामने लगे आईने पर उसकी नजर पड़ी और एक शानदार स्टाइल में वो खुद को देखकर मुस्कुराने लगा। इसके बाद वो नहाने की तैयारी करने लगा। नहाने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने के लिए नजरें उठाई तो वो चौंक गया। एकदम से उसका चेहरा उदास हो गया, आंखों में कई तरह के सवाल आ गए, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अंकित ने देखा कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई थी। आईने पर पड़ी दरार कुछ इस तरह थी मानो किसी ने आईने के बीचों बीच एक जोरदार पत्थर मारा हो और आईना उसकी वजह से चटक गया हो। लेकिन अंकित ने ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनी कि पत्थर कांच से टकराया हो और कांच चटक गया हो। कुछ देर पहले उसने देखा था कि आईना एकदम सही था, मगर अब आईना बुरी तरह से दरारों से भरा हुआ उसकी आंखों के सामने था। अंकित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आईने में दरारें पड़ी तो पड़ी कैसे। उसने दिमाग लगाया तो उसे समझ में आया कि नहाने के दौरान ही कुछ न कुछ हुआ होगा। वो लगातार सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आईने में दरारें पड़ गईं। लाख सोचने के बाद भी उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। वो उसी उलझन में फंसा रहा और बाथरूम से बाहर निकल आया। फिर रात 11 बजे अंकित अपने बेड पर लेटकर एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। अंकित को हॉरर स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो बहुत ही मजे से हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते काफी रात हो गई। उसे 6 बजे सुबह अपनी ड्यूटी पर भी जाना था, इसलिए उसने स्टोरी बंद करके सोने के इरादे से सामने वाली वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अंकित ने जैसे ही वॉल क्लॉक की तरफ देखा उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अचानक से नीचे गिर गई और छन्न की आवाज के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। अंकित घबरा गया और तुरंत उठकर अपने बेड पर बैठ गया। उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई तो देखा वॉल क्लॉक पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरे घड़ी के कांच को समेटकर डस्टबिन में डाला और फिर वापस आकर अपने बेड पर लेट गया। जब वो वापस अपने बेड पर आया तो उसने देखा कि सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े हैं। ये देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि जरूर फ्लैट में कोई घुसा हुआ है। अपने फ्लैट में किसी चोर के घुसने का एहसास होते ही वो एकदम से घबरा गया। कौन है यहाँ पे, कौन है? अंकित घबरा तो रहा था लेकिन चोर का मुकाबला करने के लिए वो हिम्मत के साथ खड़ा हो गया। अंकित के कौन है यहाँ पूछने के बाद उसके जवाब के रूप में कुछ कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कदमों की आवाज सुनते ही अंकित समझ गया कि कोई न कोई आदमी तो उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाज फ्लैट के बाहर की ओर जाती हुई सुनाई दे रही थी। अंकित उसी तरफ बढ़ा जहां से उसे कदमों की आवाज आ रही थी। वो तेजी से बढ़ते हुए वहां पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है। फ्लैट का खुला दरवाजा देखकर अंकित हैरान रह गया, क्योंकि रात को वो दरवाजा लॉक करके ही अपने बेड पर गया था, लेकिन अब दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा कैसे खुला, किसने खोला, इन सवालों का जवाब सोचने का समय नहीं था अंकित के पास। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे थे लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। हिम्मत जुटाकर अंकित फ्लैट के बाहर निकला और उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वहाँ तो एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ अभी कोई आया ही नहीं हो। अंकित घबराता हुआ वापस अपने फ्लैट में आ गया, लेकिन फ्लैट का दरवाजा अचानक खुलने के बाद उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। ये सारी चीजें सोचते हुए वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा
और उसने मन ही मन कहा, दरवाजा तो मैंने बंद किया था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजा मुझसे ही खुला रह गया हो। माय गॉड, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये सारी बातें मन में सोचते हुए अंकित एक जगह पर बैठ गया, लेकिन अगले ही पल अंकित के मन ने उससे पूछा, फिर वो कदमों की आवाज कैसी थी जो अभी अभी सुनी गई। ये सारी बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। रात के खामोश माहौल में उसे लगा कि हो सकता है उसके कान बजे हों, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया हो। तो बस इसी विचार के चलते बेवजह उसे ऐसा लगा हो कि कोई चोर उसके फ्लैट में आ गया है और वो निकल कर भाग गया। मन में उठ रहे इन सवाल जवाबों के साथ उसने दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ करके एक बार फिर से अपने बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अंकित की आंख खुल गई। बेड से उठकर उसने तुरंत सारी लाइट्स ऑन की और यहाँ वहाँ देखने लगा। वो ढूंढ रहा था कि आखिर ये गंध कौन सी है और कहाँ से आ रही है। इसी तलाश में उसने फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला। अब वो अपने बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम में पहुंचकर जो उसने देखा, उसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। वो जहां खड़ा था वही मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका पूरा शरीर दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था, क्योंकि बाथरूम के बीचों बीच खून से सनी एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सर पे वार करके उसकी हत्या कर दी गई हो। लाश को अपने बाथरूम में देखते ही अंकित इतना ज्यादा डर गया कि उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लाश उसके बाथरूम में आई तो आई कैसे। अंकित का पूरा दिमाग खराब हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज पहले ही दिन ये सब कुछ होना था। कुछ देर बाद अंकित के दिमाग में ख्याल आया कि तुरंत अब पुलिस को बुला लेना चाहिए। पुलिस को बुलाने के लिए तुरंत वो अपने बेडरूम की तरफ गया। वहाँ उसने अपना मोबाइल उठाया और पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि वो अपना पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने बहुत ही मीठी आवाज में उसे पुकारा, अंकित, अंकित, अंकित। इस मीठी आवाज को सुनते ही पीछे पलटकर उसने देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी जिसकी लाश उसने अपने बाथरूम में देखी थी। लड़की अपने उसी रूप में थी जैसा कि अंकित ने उसे बाथरूम में देखा था। अंकित उसे देखकर बुरी तरह से डर गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? हो कौन तुम? उस लड़की ने बड़े ही प्यार से कहा, मैं एक लाश हूँ और कुछ नहीं, वही लाश जिसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले अपने आँखों से बाथरूम में देखा था। क्यों देखा था ना? लाश को इस तरह से इतने प्यार से बोलते देख अंकित बहुत घबरा गया। अंकित बोला, वो तो मैं भी जानता हूँ, मैंने देखा तुम्हें वहाँ पे, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो गई? ओफो अंकित, तुम्हें लाश बनाने के लिए और किस लिए, चलो अब आ भी जाओ मेरे पास, आओ आओ। अंकित को ये समझने में समय लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। अब अंकित संभल कर बोला, मगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो, आखिर मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम मेरे फ्लैट में आके रुके हो। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे फ्लैट में आकर रुके। मैंने तुम्हें कितने सारे इशारे किए, बाथरूम का कांच तोड़ा, तुम्हारे कपड़े गिरा दिए, तुम्हारे बैग से कपड़े निकालकर बाहर फैला दिए, दीवार घड़ी गिरा दी और इस घर का दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन तुम तो एक जोंक की तरह यहाँ चिपक गए हो, तुम्हें तो अब मारना ही होगा। अंकित बोला, मगर तुम मुझे इस फ्लैट से निकालना क्यों चाहती हो? क्योंकि दो आदमियों ने मिलकर मुझे इसी फ्लैट में मार डाला था और तब से तो मैं यहीं रह रही हूँ, और मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। अब जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ तुम कैसे रह सकते हो, इसलिए तुम्हें जाना होगा। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन लोगों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? क्योंकि मुझे उनके काले कारनामे के बारे में पता चल गया था और मैं उनका पर्दाफाश ही करने वाली थी, इसलिए वो दोनों मुझे यहाँ उठा लाए और मेरा कत्ल कर दिया। लेकिन मैं अभी भी उनका यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ,
जब भी वो दोनों यहाँ आएंगे मैं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से मारूंगी, लेकिन उसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत जरूरी है। और अगर तुम यहाँ रहोगे तो वो लोग तो यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। ठीक है, मैं फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ, ठीक है? बिल्कुल नहीं अंकित, अब तुम मेरा राज जान चुके हो और इसीलिए तुम्हारी यहाँ से लाश ही बाहर जाएगी, तुम जिंदा तो नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझ पर भरोसा करो, अंकित पीछे हटते हुए बोला। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, मेरा यकीन मानो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज। नहीं अंकित, मैं तो तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकती, चलो अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कहते हुए अंकित इस हद तक पीछे हटा कि अब वो पीछे नहीं जा सकता था, यानी उसकी कमर दीवार से टकरा गई। डरावने चेहरे वाली लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अंकित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसे अपने आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रह गया था, वो किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, लेकिन उसके ना चाहने पर भी उसकी मौत उसकी तरफ लगातार बढ़ रही थी। हर पल अंकित बस यही सोच रहा था कि वो खुद को बचाए तो बचाए कैसे, लेकिन उसके सामने मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब वो जिंदा लाश केवल उससे 4 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक अंकित जोर से बोला, रुक जाओ, मैं मरने से पहले मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ, प्लीज रुक जाओ। ठीक है, कर लो अपनी आखिरी इच्छा पूरी, फिर तो तुम्हें मरना ही है। तभी अंकित गंगा जल लेने के लिए आगे बढ़ा, वो गंगा जल लेकर वापस लड़की के पास चला आया। वापस आकर अंकित ने सारा गंगा जल लड़की पर डाल दिया जो जिंदा लाश थी। गंगा जल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई, वो प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन आग उसके पूरे शरीर पर लग चुकी थी। जल्दी वो जिंदा लाश जलकर राख हो गई, उसका शरीर पूरी तरह से भस्म हो गया, उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकल गई और आकाश की तरफ चली गई। भस्म हुए शरीर की राख खुद ब खुद वहां से गायब हो गई। ये सब होने के बाद आखिरकार अंकित ने गहरी सांस ली। एक बार की बात है, एक शहर में एक 14 साल का लड़का नमन रहता था जो हमेशा किताबें पढ़ता रहता था। इस वजह से उसके दोस्त भी बहुत कम थे। एक दिन उसके स्कूल में एक जादूगर आया। सभी बच्चे उस जादूगर का जादू देखने के लिए इकट्ठा हो गए। नमन भी उस जादूगर को देखने पहुंचा। उस जादूगर ने हवा में टोपी उछालकर उसे कालीन में बदल दिया और फिर एक बड़ी सी लकड़ी को पेन में बदल दिया। सभी बच्चे हैरान होकर उसे देखते रहे। फिर उस जादूगर ने एक जोरदार आवाज में उन बच्चों को पेन दिखाते हुए कहा, है कोई बच्चा जिसे ये पेन चाहिए? सभी बच्चे उस जादूगर और उसके पेन को देखकर घबराने लगे, लेकिन नमन को उस जादूगर और उस पेन को देखकर आकर्षण महसूस हो रहा था। नमन ने हिचकिचाते हुए जादूगर से कहा, मुझे वो पेन कैसे मिल सकता है? जादूगर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नमन को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर जोरदार आवाज में नमन को जवाब दिया, जरूर, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस पेन का करोगे क्या बच्चे? नमन ने इस बार बिना हिचकिचाए जादूगर को जवाब दिया, मैं भी आपकी तरह जादू करूंगा। ये सुनकर वो जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, आओ आओ आओ, यहाँ आओ, भाग कराओ बच्चे, भाग कराओ। नमन को उस जादूगर की हंसी से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन वो अपने साथी बच्चों के बीच से उठकर स्टेज पर चला गया जहां वो जादूगर खड़ा हुआ था।
जादूगर ने नमन को वो पेन पकड़ाते हुए कहा, लो ये पेन, ध्यान रहे इस पेन का इस्तेमाल तुम सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करोगे। अगर तुमने इस पेन से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो फिर इस पेन के साथ तुम भी गायब हो जाओगे, समझे? इतना कहकर वो जादूगर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। नमन अब थोड़ा घबरा गया और उसने डरते हुए जादूगर के हाथ से वो पेन ले लिया। रात को स्कूल के होमवर्क से फ्री होकर नमन ने स्कूल के बैग से उस पेन को निकाला और बड़े ही गौर से उसे देखने लगा। ये पेन दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत था। इस पेन की बॉडी सिल्वर कलर की थी, जिसकी चमचमाहट से नमन का पूरा कमरा जगमगाने लगा। ये देख तो नमन बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और आंखें भी खुशी से खिलखिलाने लगी। नमन ने अपनी डायरी निकाली और उस पेन से अपनी डायरी पर एक अंडा ड्रॉ किया, लेकिन अचानक उस डायरी में से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसे देखकर नमन एकदम से चौंक गया और डायरी को बेड पर पटक कर दूर जा भागा। कुछ ही सेकंड्स में वो प्रकाश बंद हो गया। तब नमन ने हिम्मत करके पलट कर फिर से बेड की तरफ देखा तो नमन हैरान हो गया, क्योंकि डायरी पर असली मुर्गे का अंडा पड़ा हुआ था। नमन घबराते हुए वापस अपने बेड पर पहुंचा और उसने उस अंडे को अपने हाथ में पकड़कर देखा। ओहो, ये तो सचमुच एक अंडा था। फिर नमन उस पेन को देखने लगा और उसे उस पेन का जादू समझ आ गया, लेकिन उसने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से अपनी डायरी पर कुछ और ड्रॉ किया, ये देखने के लिए कि क्या ये पेन सच में उसी तरह काम करता है जैसा नमन सोच रहा है। तो इस बार नमन ने उस डायरी पर एक चूहा बना दिया और अचानक से उस डायरी में से एक असली चूहा बाहर निकल कर आ गया। अब नमन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, हाँ, अब तो इस पेन से मैं कोई भी चीज हासिल कर सकता हूँ। उसने अगले दिन अपनी क्लास के लड़कों को ये सारी बात बताई तो सारे बच्चे अपनी आंखों से जादू देखने की जिद करने लगे। नमन ने सबको उस पेन का जादू दिखाया। इसके बाद क्लास के सभी बच्चे नमन के दोस्त बन गए, लेकिन उनमें से कुछ बुरे लड़के नमन के जादुई पेन को देखकर जलने लगे और उन्होंने उस पेन को चुराने का मन बनाया। जब नमन लंच करने के लिए क्लासरूम से बाहर गया, तब उन तीनों बुरे लड़कों ने चुपचाप से नमन के बैग से वो पेन चुरा लिया। रात में जब नमन अपने बैग से उस पेन को बाहर निकालने लगा तो उसे वो पेन कहीं मिला ही नहीं। जैसे ही वो बुरे लड़के उस पेन का इस्तेमाल करने लगे, वो पेन अचानक से गायब हो गया और उस पेन के साथ नमन भी गायब हो गया। अगले ही पल नमन ने देखा कि वो किसी छोटे से पिंजरे में कैद हो गया है और वहीं पर पास में ही वो पेन भी पड़ा हुआ है। नमन ने उस पेन को उठाया और उस पर लिख दिया कि उसे बाहर जाना है, लेकिन उस पेन का कोई जादू अब काम ही नहीं कर रहा था। नमन परेशान होकर रोने लगा। फिर उसने उस पेन से जादूगर का नाम लिख दिया और कुछ ही पलों में वो जादूगर वहां पर आ पहुंचा, जिसने इस पेन को बनाया था। नमन रोते हुए उस जादूगर से बोला, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, प्लीज। वो जादूगर पिंजरे के बाहर खड़ा हुआ था और नमन पर जोर जोर से हंसने लगा। नमन ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए, मैंने इस पेन का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है, किसी ने मेरे बैग से इस पेन को चोरी कर लिया था। तब जादूगर ने नमन को समझाया कि मैं जानता हूँ बच्चे, तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये जादू सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करता है, जिसे करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। असली जादू मेहनत करके दिखाया जाता है, जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही ये कभी खत्म होगा। नमन को जादूगर की बात तो समझ आ गई। उसने इस हादसे के बाद खूब पढ़ाई करके मेहनत की और जिन जिन चीजों को वो उस पेन से कुछ देर के लिए हासिल करने की सोच रहा था,
उन्हीं चीजों को नमन ने मेहनत करके कमाया और हमेशा के लिए हासिल कर लिया। ये कहानी है निधि की। निधि 12 साल की थी जब उसके माता पिता गुजर गए। उसके चाचा ने उसे पाला पोसा और अपनी बेटी नव्या की तरह उसकी भी परवरिश की, लेकिन माँ बाप को खोने की वजह से निधि सदमे में चली गई थी और फिर उसके बाद वो कम बोलने वाली लड़की बन गई। जब निधि 21 साल की हुई तब उसके चाचा के पास उसकी दादी का फोन आया। निधि की दादी बहुत बीमार रहने लगी थी, इसीलिए वो अपने बेटे और पोतियों से मिलना चाहती थी। निधि के चाचा को शहर में कुछ जरूरी काम था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ निधि और नव्या को ही उनकी दादी के पास गांव भेजने का फैसला किया। गांव का नाम सुनकर निधि सहम सी गई। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ नजर आने लगा। उसने रोते हुए अपने चाचा से कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। निधि के चाचा उसे प्यार से समझाने लगे, बेटा तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार मिल तो आओ, क्या पता तुम दोनों से मिलकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। निधि वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपनी चाचा के रिक्वेस्ट के आगे उससे कुछ नहीं कहा गया। नव्या निधि के पास आई और उसे समझाने लगी, अरे निधि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, हम जल्दी से जाकर वापस आ जाएंगे। बस आखिरकार सबकी बात मानते हुए निधि ने वहां जाने का मन बनाया। लेकिन गांव में ऐसा क्या था जो निधि अपनी बीमार दादी से मिलने तक नहीं जाना चाहती थी। अगले 2 दिन में निधि और नव्या अपनी दादी के गांव आ गए। निधि की दादी एक बड़ी सी हवेली में रहती थी। हवेली काफी पुरानी हो चुकी थी और चूंकि वो गांव में भी स्थित थी, इसी वजह से निधि और नव्या के पिता ने एक साथ उस हवेली को छोड़ दिया था और शहर जा बसे थे। वो दोनों ही चाहते थे कि उनकी माँ उस हवेली को बेचकर उनके साथ शहर आकर रहने लगे, लेकिन निधि की दादी उस हवेली को बेचने के लिए कभी नहीं मानी। निधि के दादा के अचानक हुए निधन के बाद वो उस हवेली में अकेली रह गई थी, लेकिन फिर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब निधि अपनी बहन नव्या के साथ उस हवेली में पहुंची तो उसके कदम अचानक ही थरथराने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस वीरान हवेली से वो फौरन भाग जाना चाहती थी। निधि उस वीरान हवेली के सुनसान गलियारों से होते हुए अपनी दादी के कमरे में जा पहुंची तो देखा कि उसकी दादी बिस्तर पर सोई हुई हैं। निधि और नव्या के साथ हवेली का एक पुराना मुलाजिम भी था। उसने जाते ही निधि की दादी को जगाते हुए कहा, मालकिन बिटिया रानी आ गई हैं। निधि की दादी नींद से बाहर आई और निधि और नव्या को अपने पास आने को कहा। वो इतनी बुजुर्ग और बीमार हो चुकी थीं कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं। नव्या ने अपनी दादी की हालत देखकर उस मुलाजिम से पूछा, इनकी हालत तो बहुत खराब है, आपने डॉक्टर को दिखाया? अरे बिटिया, गांव के सबसे अच्छे हकीम और डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन निधि ने बेचैन होकर पूछा, लेकिन क्या? मुलाजिम दुखी होते हुए बोला, अब का बताएं बिटिया, हमें नहीं लागत कि मालकिन अब ज्यादा दिन जी पाएंगी। ये सुनकर निधि और नव्या शॉक्ड हो गईं। नव्या ने बगैर वक्त गवाए अपने पिता को सारी बातें बताई और जल्द से जल्द हवेली आने को कहा। अभी निधि उस मुलाजिम के साथ अपनी दादी के कमरे में ही खड़ी हुई थी कि अचानक वो मुलाजिम रोने लगा और बड़बड़ाने लगा, अरे बिटिया, हमने मालकिन से कितनी बार कही कि जो हवेली बेच दो मालकिन, बेच दो, लेकिन उन्होंने हमारी कबहू नहीं सुनी। अरे एक के बाद एक सब चले गए, अरे को नहीं बचे हवेली में, और जो सब कुछ भाव है जो हवेली के कारण। निधि शॉक्ड रह गई और कपकपाते हुए पूछने लगी, हवेली के कारण? अरे हाँ बिटिया, जो हवेली शापित है, अज यहाँ बुरी आत्मन को सहाया है। ये सुनकर मानो निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, पापा कल तक आ जाएंगे। निधि चमक गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। निधि की शक्ल देखकर नव्या हैरान रह गई, क्या हुआ निधि? वो
अरे क्या वो? लेकिन निधि कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसने डर से कपकपाते हुए मुलाजिम की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन नव्या ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब आप हमें हमारा कमरा बता दीजिए। उसी रात जब निधि गहरी नींद में सो रही थी, तब अचानक उसे अपना नाम सुनाई देने लगा। निधि, निधि, निधि। निधि ने चौंक कर अपनी आंखें खोली और फिर इधर उधर देखने लगी तो देखा कि नव्या तो गहरी नींद में सोई हुई थी और फिर अचानक से एक बार उसे अपना नाम सुनाई दिया। निधि, निधि। निधि ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर घबराते हुए नव्या की तरफ देखने लगी, लेकिन वो नव्या की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अकेले ही बाहर जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर कौन उसे पुकार रहा है। जैसे जैसे निधि कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका नाम बार बार तेजी से पुकारा जा रहा था। निधि, निधि। और फिर आखिर में डरते हुए निधि ने कमरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, मगर इस बार उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। निधि को अजीब लगा और फिर हिम्मत करके उसने अपनी आंखें खोल ली तो देखा कि वहां कोई नहीं था। अब निधि को लगा कि उसे कोई वहम हो गया होगा, कोई सपना वपना देख लिया होगा उसने, इसलिए वो वापस अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन अचानक एक बार फिर उसे वो आवाज सुनाई देने लगी। निधि, निधि, निधि। निधि अब फिर से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी और देखते ही देखते उस आवाज में मंत्रमुग्ध हो गई और उस टेरेस पर आ गई जहां से गिरकर उसके माता पिता मर गए थे। उस वक्त निधि 12 साल की थी और वहीं मौजूद थी। उसने अपनी आंखों से उन्हें टेरेस से नीचे छलांग लगाते हुए देखा था, वो भी निधि की तरह ही उस आवाज में मंत्रमुग्ध होकर वहां टेरेस पर आ गए थे और फिर वहां से कूद गए थे। इसी वजह से निधि को इस हवेली से डर लगता था, लेकिन आज निधि भी वही करने जा रही थी। उस आवाज में मंत्रमुग्ध होकर निधि टेरेस से छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी अचानक नव्या वहां आ गई और उसने निधि को बचा लिया। जब निधि को होश आया तो उसे कुछ याद ही नहीं था। सुबह होते होते उनकी दादी की मौत हो गई। उसके 2 घंटे बाद नव्या के माता पिता भी हवेली पहुंच गए। नव्या ने निधि के साथ हुई सारी घटना अपने पापा को बताई। इसके बाद निधि के चाचा ने उस हवेली को बेच दिया और वापस शहर आ गए। निधि की जान तो बच गई, लेकिन उसे आज तक इस बात का अफसोस है कि वो अपने माता पिता की जान नहीं बचा सकी। एक बार की बात है, एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसने दिन रात मेहनत करके काम किया और उसके पास कई सारी बकरियां इकट्ठा हो गईं। उसने धीरे धीरे इसे व्यापार में लाना शुरू किया और इसी तरह वो एक अच्छा व्यापारी बन गया। वो आदमी हमेशा अपने साथ एक बैग रखता था जिसमें उसके हिसाब किताब की डायरी हुआ करती थी। उस आदमी के 2 बेटे थे जो अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो आदमी अपने दोनों बेटों को अपने उस बैग से दूर ही रखता था। एक दिन उसके बड़े बेटे ने पूछ ही लिया, पिताजी आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जो आप हमेशा इसे अपने पास रखते हैं और हमें तो कभी इसके आसपास भी भटकने नहीं देते। उस आदमी ने ठहाका लगाकर अपने बेटे को जवाब दिया, बेटे जब सही वक्त आएगा तो मैं ये तुम्हें जरूर बताऊंगा, समझे? कुछ साल बीत गए, उस चरवाहे ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाई और फिर एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम दोनों को एक काम सौंप रहा हूं। इस काम में जो ज्यादा प्रॉफिट लाकर मुझे देगा तो मैं उसे इनाम में वो कीमती चीज दूंगा जिसे मैंने हमेशा तुमसे छिपा कर रखा। ये सुनकर उस आदमी के दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। उस चरवाहे ने अपनी बकरियों को आधा आधा दोनों में बांट दिया और कहा, तो सुनो बच्चों, तुम दोनों के पास 3 माह का समय है। कितने? 3 माह का समय।
तीसरे माह के अंत में मैं तुम दोनों का प्रॉफिट चेक करूंगा और फिर वो कीमती इनाम ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले को सौंप दूंगा, ठीक है। दोनों बेटे अपने पिता की बात मानकर काम पर लग गए। उस आदमी के छोटे बेटे ने अपनी सूझबूझ से काम करते हुए ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वही रास्ता चुना जो उसने अपने पिता को सालों से करते हुए देखा था, जबकि बड़ा बेटा जो कि अपने आप को बहुत चालाक और दिमाग वाला समझता था, उसने सोचा कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इससे वो अपने पिताजी को खुश करके वो इनाम हासिल कर लेगा। इसलिए उसने एक ऐसी तरकीब खोज निकाली जिससे बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते थे, और वो था लॉटरी। उसने क्या किया कि अपनी सारी बकरियां बेच दी और जो पैसे मिले उन पैसों से पूरी की पूरी लॉटरी टिकट्स खरीद ली। अब वो बढ़िया बैठकर इंतजार करने लगा और अपने छोटे भाई को देखकर उस पर हंसता भी था कि देख तू कैसा बेवकूफ है जो रोज दिन रात मेहनत करता है, और मुझे देख मैं कितना दिमाग वाला हूँ कि मैंने इतनी सारी लॉटरी की टिकट खरीद ली है, एक ना एक तो निकल ही जाएगी और मैं अमीर बन जाऊंगा और मुझे ही वो इनाम मिलेगा जो पिताजी उसे देने वाले हैं जो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन चरवाहे का छोटा बेटा दिन रात मेहनत करता रहा और देखते ही देखते उसने और भी बकरियां खरीद ली। तीसरे माह की आखिरी तारीख को चरवाहे के दोनों बेटे उसके सामने हाजिर हुए। चरवाहे ने अपने बड़े बेटे से प्रॉफिट के बारे में पूछा तो उसके बड़े बेटे ने मुंह लटकाकर दुखी स्वर में बताया कि वो लॉटरी हार गया है और जो कुछ उसके पास था वो सब भी वो बर्बाद हो गया, यानी कि अब उसके पास कुछ नहीं रहा, वो हो गया है ठन ठन गोपाल। फिर चरवाहे ने अपने छोटे बेटे की स्थिति जाननी चाही तो छोटे बेटे ने बताया कि उसने अपने पिता की तरह मेहनत करके दो गुना प्रॉफिट हासिल किया है। ये सुनकर चरवाहा बहुत खुश हो गया और उसने अपने बैग में से कीमती चीज निकालकर अपने छोटे बेटे को इनाम के तौर पर दे दी। जब छोटे बेटे ने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक डायरी मिली जिसमें उस चरवाहे ने व्यापार करने के लिए बड़े बड़े नुस्खे लिखे थे। ये देखकर उसका बड़ा बेटा सोचने लगा, हैं? ये तो मामूली सी डायरी है। अच्छा हुआ मैंने इसे पाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, और अगर मुझे मालूम होता कि पिताजी की कीमती चीज ये डायरी है, सड़ी सी डायरी, तो मैं कभी उनकी बात मानकर इस गेम का हिस्सा भी नहीं बनता। इसके बाद वहां से जाते हुए चरवाहे के बड़े बेटे ने उसके छोटे बेटे से कहा, ओए छोटे क्या मिला तुझे इतनी मेहनत करके, ये सड़ी सी डायरी। देख मेरी बात मान, दिमाग से काम लिया कर, शॉर्टकट सपना, जल्दी अमीर बनना है जल्दी। अरे ये क्या रोज रोज बकरियां चरा के तू अमीर बन पाएगा? अरे नहीं रे, थोड़ा दिमाग चला, दिमाग समझा। देख अब मैं कैसे और अच्छा शॉर्टकट अपनाऊंगा और बहुत जल्दी अमीर बन के दिखाऊंगा तुझे। तू ये सड़ी सी डायरी से पता नहीं क्या करेगा। कोई बात नहीं, तेरे साथ भी अच्छा होगा। इसके बाद चरवाहे का बड़ा बेटा अपने पिता के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी का काम करने लगा और देखते ही देखते वो बुरी तरह से कंगाल हो गया। लेकिन चरवाहे के छोटे बेटे ने अपनी मेहनत जारी रखी और उस डायरी में लिखे व्यापारी नुस्खों को फॉलो करके वो एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। पुराने समय की बात है, रत्नापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें राजू नाम का तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था कि वो अपनी तंत्र विद्या से जिसे चाहे उसे वश में कर सकता है और जिसे चाहे उसे मार सकता है। गांव वालों को ये बात पता चल गई कि राजू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद उन्हें मार देता है। एक दिन रात के समय में गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए
उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही वो सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या में लीन है, और तभी गांव के लोग उसे मिलकर उसकी कुर्सी से बांध देते हैं और कुर्सी को आग लगा देते हैं। वो तांत्रिक उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। 4-5 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहता है। तभी वहां शहर से 4 लड़के आते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाए, फिर कल सुबह अपनी मंजिल की ओर चल पड़ेंगे। लड़के घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, गीदड़ वहां भैंसे के मांस को खा रहा है। उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वो देखता है कि इस कुर्सी में कुछ तो अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे वो लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है और उस लड़के में तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। लड़के के अंदर तांत्रिक की आत्मा आते ही वो लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, अब मेरा इंतकाम पूरा होगा, अब मैं इस गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी के 3 लड़के ये सब देखकर घबरा जाते हैं और वापस गांव की ओर भागते हैं और गांव के सरपंच को ये सारी बात बताते हैं। सरपंच गुस्से में आकर उन लड़कों की डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला था उस जंगल में जाने को और कुर्सी पर जाकर बैठने को। लड़के माफी मांगते हैं और अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं। सरपंच बताता है कि अगर वो लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाएगा। इतनी ही देर में वो लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। वो आदमी मिल जाने पर तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वो कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। वो आदमी भी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है वो कुर्सी से उतर जाता है और मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और उसे आग लगा देते हैं, जिससे उनका दोस्त तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से आजाद हो जाता है और उसकी जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। विनोद ऑफिस में काम कर रहा था। जैसे ही विनोद के फोन पर मैसेज आया, उसने फोन उठाकर देखा तो उसका दिमाग घूम गया। पहले थोड़ी देर उसने अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग को शांत किया और फिर से काम में लग गया। जैसे ही वो शाम को घर आया तो उसने अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहा, रीना रीना, आज तुमने फिर से एटीएम से 15,000 रुपए निकाल लिए। रीना भी उसी अंदाज में चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो क्या हो गया, अब क्या थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा? और अगर तुम्हें मुझसे हिसाब ही मांगना है तो अपना एटीएम मुझे क्यों दिया हुआ है? रीना का जवाब सुनकर विनोद थोड़ा शांत होकर बोला, अरे मैं हिसाब नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने रुपए निकाले थे ना, और ऐसे तो कुछ बड़ा सामान भी नहीं आया अपने घर की अचानक से तुम्हें और 15,000 रुपयों की जरूरत पड़ गई। बोलो। वो कुछ नहीं, मेरी सहेलियां बोली कि बहुत दिन से तूने कुछ पार्टी वार्टी नहीं दी, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा खिला देती हूँ सबको, तो बस हम लंच के लिए गए थे बाहर। रीना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम 5,000 रुपए का खाना अफोर्ड कर सकें। तुम समझती क्यों नहीं हो यार, तुम बच्ची नहीं हो बल्कि एक बच्चे की माँ हो। वो सब तुम्हें पागल बनाती है, तुमसे पैसे खर्च करवाती है और तुम पागल बनती रहती हो। मुझे तो याद ही नहीं है कि तुम्हारी कौन सी सहेली ने लास्ट टाइम तुम्हें पार्टी दी थी, तुम ही सबको पार्टी देती रहती हो। बताओ किसी ने तुम्हें पार्टी दी है क्या? बोलो। तुम तो बस रहने दो, मेरा एक स्टेटस है
एक बात है मेरी सहेलियों में मेरी, जो तुम नहीं समझोगे। विनोद और ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता था। वो रोज रोज के खर्चे से परेशान हो गया था। हर दूसरे तीसरे दिन रीना कुछ न कुछ फालतू का सामान खरीद कर लाती और सामान नहीं आता तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में बिजी हो जाती। विनोद ने रीना को कई बार समझाया, देखो रीना मेरी बात समझो, मैं तुम्हें कोई सामान खरीदने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर जितना खर्चा तुम अपने कपड़े और मेकअप पर करती हो वो यार बेमतलब का है अगर कोई पार्टी या फंक्शन ना हो तो। अब तुम खुद ही सोचो ना, इतने पैसों से तो हम घर का कोई अच्छा सामान भी तो खरीद सकते हैं। तुम्हें क्या पता विनोद, मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। पता है सब मेरी कितनी तारीफ करती हैं, मेरे सूट और साड़ी को देखकर जल जाती हैं। अरे यार तुम क्यों नहीं समझती हो, तुम्हारी पीठ पीछे सब तुम्हें पागल और फिजूल खर्च वाली औरत समझते हैं। मैं तुम्हें हमेशा फिजूल खर्च करने वाली ही लगती हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और सुनो, इस बार हम अपने बेटे रौनक का जन्मदिन ग्रैंड तरीके से मनाएंगे। सब लोग बोल रहे हैं कि रीना तुमने काफी दिन से एक अच्छी सी पार्टी नहीं दी। यार रीना देखो सिंपल सी बात है, अभी मेरा इतना बजट नहीं है कि हम बड़ी सी पार्टी कर सकें। हम एक काम करते हैं ना, रौनक के दोस्तों को और अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर लेते हैं ना, बड़ी पार्टी की क्या जरूरत है। मुझे कुछ नहीं पता विनोद, तुम्हारे पास तो कभी पैसे होते ही नहीं है, तुम तो मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटवा दोगे। इतना कहकर रीना चली गई। विनोद बस सोचता ही रह गया कि कैसे इस औरत को समझाऊं, कभी कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। कितनी बार तो उसने खुद आते जाते उसके बारे में औरतों को कहते हुए सुना कि रीना कितनी फिजूल खर्ची करती है, रीना रहती तो ऐसे है जैसे कि करोड़पति हो। ये सब वो रीना को बताता भी तो रीना को विश्वास नहीं होता है। उसे लगता कि विनोद उसके खर्चों पर लगाम लगाने के लिए इतना सब कह रहा है। एक दिन विनोद शाम को ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि रीना चुपचाप सोफे पर बैठी है। जैसे ही विनोद आया उसने उसको पानी लाकर दिया और फिर चुपचाप से बैठ गई। विनोद को थोड़ा अजीब लगा, हमेशा उसके आने पर हजारों फरमाइशें करने वाली रीना भला चुपचाप बैठी है। विनोद ने रीना से पूछा, रीना क्या हुआ? आज मुझे तुम्हारी कही बातों का अर्थ समझ में आ रहा है विनोद। आज मैं रौनक की पार्टी के लिए इनविटेशन देने मिसेस शर्मा के घर गई थी। मुझे पता नहीं था कि कॉलोनी की कुछ और औरतें भी वहाँ पर इकट्ठा थी, और मैंने उनकी आवाज़ बाहर से ही सुनी। सब मेरे ही बारे में बातें कर रही थी और मेरा मजाक बना रही थी कि मैं कितना फिजूल खर्ची करती हूँ और कितना दिखावा करती हूँ। विनोद मुझे लगता था वो सब मेरी सहेलियाँ हैं, पर अब मुझे समझ में आया कि वो इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलती थी ताकि मैं पैसे खर्च करती रहूं। मुझे समझ आ गया है कि खर्च करना चाहिए मगर फिजूल खर्च नहीं, और दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही विनोद ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुश होते हुए बोला, हाँ चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास, पहले गले लगो मेरे। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत ज्यादा धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर एक बीघा जमीन खरीदी जिससे वो बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, जी तोड़ मेहनत करता, लेकिन नकुल कोई काम ही नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पक कर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया और उनको उस फसल के बहुत अच्छे पैसे भी मिले। घर आकर सोहन ने नकुल से कहा कि भाई इस धन का ज्यादा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर नकुल तुरंत बोला, अरे भाई धन का ज्यादा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसके लिए प्रार्थना की कि हमको बहुत अच्छी फसल हो, तभी तो बहुत अच्छी फसल हुई है, और तुम्हें तो पता है भगवान के बिना तो कुछ भी संभव है ही नहीं, तो धन का हिस्सा तो भाई मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अब नकुल और सोहन धन के बंटवारे को लेकर आमने सामने हो गए और दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। गांव के मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनी और समझी और फिर जाकर उनको एक उपाय सुझाया और कहा,
मैं तुम दोनों को एक एक बोरा चावल देता हूँ जिसमें कंकड़ मिले हुए हैं। तुम इन बोरों को लेकर जाओ और सुबह तक इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लेकर आओ। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। सोहन तो बोरी लेकर अपने घर पहुंचा और उसने रात भर जाकर चावल और कंकड़ को अलग किया। लेकिन नकुल तो चावल की बोरी लेकर मंदिर में पहुंच गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस चावल से कंकड़ अलग हो जाए। अब अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको लेकर मुखिया के पास पहुंच गया, जिसको देखकर मुखिया तो बहुत खुश हुए। लेकिन नकुल जैसी बोरी लेकर गया था वैसी ही बोरी वापस मुखिया के पास लेकर आ गया। मुखिया ने नकुल से कहा, नकुल दिखाओ भाई तुमने कितने चावल साफ किए। नकुल ने मुखिया से कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मैंने रात भर बहुत प्रार्थना की है, आप तो बस बोरी खोलिए और देखिए चावल साफ हो चुके होंगे। और जब बोरी खोली गई तो चावल और कंकड़ तो वैसे के वैसे ही थे। तब मुखिया ने नकुल को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छी हुई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन रोहन को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। रास्ते में चलते चलते रोहन को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। रोहन वहीं पर रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही रोहन ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। रोहन दौड़कर उस चीज के पास गया और देखा तो वो कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर रोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन रोहन को क्या पता था कि ये कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। ये सुनते ही रोहन बहुत खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक रोहन डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आ जाओ, अरे आओ आओ। फिर वो सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर अचानक रुक गया। रोहन भी रुक गया। फिर उस सिर ने रोहन से कहा, ये यहां पर देखो, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छिपे हुए हैं, चलो फिर इस जमीन को खोदना शुरू करो। ये सुनते ही रोहन खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले बल्कि उस कटा हुआ सर का धड़ मिला। कटे हुए धड़ को देखते ही उस सिर ने कहा, हाँ यही तो चाहिए था मुझे। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। कितना? एक लोटा खून बस, उसके बाद तुम माला माल हो जाओगे।
उस धड़ की बात सुनते ही रोहन डर गया। उसने कहा, क्या क्या? एक लोटा खून? खून लाना है, पर मैं कहां से लाऊंगा एक लोटा खून? उस सिर ने कहा, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। वो डरावना सिर रोहन को अपने साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहां उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, वो देखो, उस इंसान को मारकर जाओ, उसका खून ले आओ। उस सर की बात सुनते ही रोहन डर गया और बोला, नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। रोहन की बात सुनते ही सिर बोला, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। रोहन बहुत डर चुका था। उसने सर के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, प्लीज मुझे फिर जेल जाना पड़ जाएगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, ए लड़के, अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। परिवार की बात सुनते ही रोहन बहुत डर चुका था। मजबूरी में उसने उस आदमी को आखिरकार मार डाला और उसका खून लेकर सिर के पास गया। वो सिर खून देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यही खून मेरे शरीर पे डाल दे, जा मेरे शरीर पे डाल दे ये खून। उस सिर के कहने पर रोहन ने खून को शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर शरीर से जुड़ गया। ये सब देखकर रोहन की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ, वो जोर जोर से हंसने लगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे जिंदा करके। अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। इतना सुनते ही डर के मारे रोहन के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से जितनी ताकत से हो सकता था दौड़ लगा दी, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर रोहन को जमीन पर गिरा दिया और बोला, ए, भागता कहां है? ए, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं तेरा मांस खाऊंगा। जैसे ही वो भूत रोहन का मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रोहन समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे, तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि तेरे साथ बेटा कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तेरे पीछे पीछे यहां तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो, और हां, अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहना। अघोरी बाबा की बात सुनते ही रोहन ने चैन की सांस ली और बाबा का धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। आज भी जब रोहन को वो रात और वो बातें याद आती हैं तो उसकी रूह कांपने लगती है। हाल ही में पायल की शादी हुई थी और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो अपनी सास के साथ तो बिल्कुल रह ही नहीं सकती। पायल की सास की सोच बिल्कुल पुरानी सोच थी, आधुनिक सोच थी ही नहीं, जबकि पायल बिल्कुल आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्दी उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना बिहेवियर नहीं बदल पाया। समय के साथ साथ पायल और ज्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होने लगी। वो सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार
हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब पायल को बहुत गुस्सा आया और वो अपने मायके चली गई। पायल के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई और अपने पिता से कहा कि मैं उस घर में नहीं जाने वाली हूँ, आप मुझे कोई जहर दे दीजिए, मैं अपनी सास को खाने में मिलाकर वो जहर दे दूंगी, जब वो मर जाएगी तभी मैं उस घर में कदम रखूंगी, नहीं तो मैं नहीं जाने वाली अपने पति के घर वापस। पायल के पिता को ये सब जानकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, देखो बेटा, अगर तुमने अपनी सास को जहर देकर मार दिया तो तुम और मैं, हम दोनों जेल जाएंगे, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन पायल सुनने और समझने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते नहीं देखना चाहता, समझ रही हो तुम। पायल के पिता अंदर से पाउडर लेकर आए और कहा, ये पाउडर लो, हर दिन तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना, इससे धीरे धीरे कुछ महीने में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वो नेचुरल तरीके से मरी है, समझी। पायल के पिता ने ये भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ लड़ाई नहीं करोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी, भले ही वो कुछ भी कहें, तुम पर कितना भी गुस्सा करें और तुम पर कितना भी चिल्लाएं, लेकिन तुम पलट कर जवाब नहीं दोगी और ना ही उन पर गुस्सा करोगी और ना ही उनसे लड़ाई करोगी, हमेशा शांत रहोगी, समझी। सास को मारने वाला पाउडर मिलते ही पायल ने अपने पिता की सारी बात मान ली और अपने ससुराल वापस चली गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में जैसा उसके पापा ने बताया था ठीक उसी तरह से पाउडर मिलाना शुरू कर दिया और इसी दौरान अपने सास से वो बड़े ही प्यार से बात करने लगी। समय बीतने के साथ साथ पायल की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि पायल अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी, इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और पायल खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। कोई झगड़े नहीं होते थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। अब ऐसा लगता था मानो दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी के रिश्ते में बंधी हों। अब पायल को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर जाएंगी। अगले दिन वो अपने पिता के घर गई और उनसे कहा, पिताजी प्लीज मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताइए, अब मैं अपनी सास को बिल्कुल नहीं खोना चाहती हूँ, वो तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तब पायल के पिता मुस्कुराए और बोले, कौन सा जहर बेटी, मैंने तो तुम्हें एक स्वीटनर दिया था। पापा की बात सुनते ही पायल हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब पिता ने कहा, बेटा अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह हैं। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। देखो क्या हो गया, तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदल लिया और तुम्हें समझना शुरू कर दिया। हुआ ना ऐसा, तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदल लिया। यही कारण है कि देखो तुम आज अपनी सास को बचाने के लिए मेरे पास भागती भागती आई हो। आओ बेटा गले लग जाओ, आ जाओ मेरे पास। एक गांव में एक परिवार में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया। घर के सभी लोग राधा को उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तब तो राधा के दुख और भी बढ़ गए। राधा की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे, उन्हें बहुत से खिलौने भी दिए जाते थे और सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे।
पर राधा बहुत दुखी थी। एक दिन राधा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो उसके पापा ने कहा, अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अब दोबारा मेरे सामने स्कूल जाने की बात भी मत करना, समझी? चल भाग यहाँ से। पापा की ऐसी बातें सुनकर राधा के दिल में बहुत चोट लगी। वो रोते रोते झाड़ू लगाने लगी। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। वो अपनी माँ की फोटो के आगे बैठकर दिन भर रोती रही। फिर उसकी सौतेली माँ की चिल्लाने की आवाज आई, अरे कहाँ मर गई राधा, अभी तक काम क्यों नहीं किया घर का, सारा काम पड़ा है। सौतेली माँ की आवाज सुनकर राधा जल्दी से घबरा कर उठती है और दौड़कर घर के आंगन में पहुँच जाती है। उसकी सौतेली माँ गुस्से में कहती है, ए लड़की, तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ फेंक दी? राधा ने कहा, माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसकी माँ कहती है, चुप कर, काम चोर कहीं की, मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर झाड़ू तोड़कर फेंक दी है ना, ताकि तुझे झाड़ू ना लगाना पड़े, इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी है ना, चल जा अभी जाकर नई झाड़ू लेकर आ। राधा पास के बाजार में जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वो झाड़ू को कोने में रख देती है और पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर आती है और देखती है कि घर में झाड़ू लग चुकी होती है, ये सब देखकर वो हैरान रह जाती है कि आखिर इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। उसकी सौतेली माँ चिल्लाते हुए कहती है, अरे राधा, घर की झाड़ू लेकर आई कि नहीं आई, घर की सफाई होगी कि नहीं होगी, कि घर ऐसे ही गंदा रहेगा। इतना कहते कहते उसकी सौतेली माँ किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर इतनी जल्दी पूरा घर साफ कैसे कर दिया इसने। सौतेली माँ उसको कहती है, क्यों रे, ये सफाई अपने आप हो गई क्या? फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है आज जाकर कपड़े धो। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो देखती है कि उसके बगल में झाड़ू रखी है। राधा झाड़ू को उसकी जगह पर रखने जाती है और थोड़ी देर बाद देखती है कि झाड़ू फिर से उसके बगल में रखी है। राधा फिर से झाड़ू को अपनी जगह पर वापस रखने जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है सारे कपड़े धोकर सूख रहे हैं। राधा को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। राधा डांट और मार के डर से किसी को कुछ भी नहीं बताती है। राधा घर में जहां जहां काम करने जाती, झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती। फिर उसे लगने लगता कि झाड़ू में ही कुछ गड़बड़ है, तो डर के मारे उसे बाहर फेंक आती है। लेकिन जैसे ही राधा घर में वापस आती है, झाड़ू उसको घर में फिर से मिलती है। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती। रात में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। राधा कहती है, कौन है ये किसकी आवाज है? आवाज फिर से आती है, राधा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर राधा रोने लग जाती है और अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाती है। राधा की माँ कहती है, मुझे सब पता है बेटी, अब मैं सब ठीक कर दूंगी और मैं तुम्हारे हर काम में सहायता करूंगी। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है। अब राधा को घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ता, सब काम झाड़ू कर देती है। राधा ये देखकर बहुत खुश होती है। राधा की सौतेली माँ को ये सब देखकर हैरानी हो जाती है कि आखिर इतनी छोटी सी बच्ची इतनी जल्दी जल्दी घर का सारा काम कैसे कर रही है। उसका शक बढ़ता ही जाता है और वो राधा पर नजर रखने लगती है। एक रात वो राधा को किसी से बात करते हुए सुन लेती है, लेकिन उसे कोई दिखाई ही नहीं देता कि आखिर राधा किससे बात कर रही है। दूसरे दिन वो राधा को अपने पास बुलाकर बहुत मारती है और पूछती है, बता बता तू कल रात किससे बात कर रही थी, जल्दी बता क्या हो रहा है घर में। इतनी मार खाने के बाद भी अपनी सौतेली माँ को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन रात को वो अपनी माँ को सब कुछ बताती है और बहुत रोती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। राधा की माँ को बहुत गुस्सा आया और वो झाड़ू से कहती है, जाओ अपना काम करो,
झाड़ू जाती है और रात को ही राधा की सौतेली माँ की बहुत पिटाई लगाती है। राधा की सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है और बोलती है, अरे बचाओ मुझे कोई मार रहा है। लेकिन झाड़ू किसी को भी दिखाई नहीं देती। सब पूछते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों चिल्ला रही हो। राधा की सौतेली माँ कहती है कि मुझे झाड़ू मार रही है, पर किसी को भी झाड़ू दिखाई ही नहीं देती। अब रोज रात को यही होता, सौतेली माँ की पिटाई होने लगी थी, जिससे वो रोज रात को चिल्लाती। सबको लगने लगा था कि सौतेली माँ पागल हो चुकी है। राधा के पापा ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन रोज रात की पिटाई होना तो बंद ही नहीं हो रही थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ तो राधा के पापा ने सौतेली माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ एक दिन सौतेली माँ के सपने में राधा की माँ आई और सौतेली माँ से बोली, तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी ये हालत कर दी है। अगर अब तुम मेरी बेटी से माफी मांगो और ये वादा करोगी कि कभी भी उसे परेशान नहीं करोगी और ना ही उसे मारोगी और ना ही उससे कोई काम करवाओगी, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी और तभी तुम घर वापस जा पाओगी। राधा की सौतेली माँ राधा की माँ से वादा करती है कि अब वो राधा को भी अपने बच्चों की तरह प्यार करेगी और पालेगी। दूसरे दिन पागल खाने का डॉक्टर राधा के पापा को बुलाकर कहते हैं कि राधा की माँ तो ठीक हो चुकी है, आप इनको घर ले जा सकते हैं। सौतेली माँ घर आ जाती है और राधा को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगती है और स्कूल भी भेजने लगती है। राधा समझ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद देती है। ऐसी और भी झकास कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल झकास हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें।